नमस्ते, जय माता दी। टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, नवरात्रि के अष्टम दिन माँ दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी की पूजन अर्चना की जाती है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी भी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, अर्थात इनकी आयु 8 साल की है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। तो आइए हम माँ की स्तुति कर माँ गौरी की कथा से आपको अवगत कराते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धुलते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया था। देवी जब तप से उठी तो सह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सह दोनों हैं। बोलिए माँ गौरी की जय। ओम रक्ष रक्ष जगन्माते देवी मंगल चंडिके, हारि के विपदा राशे हर्ष मंगल कारिके, हर्ष मंगल दक्षे चा हर्ष मंगल दायिके, शुभे मंगल दक्ष चा शुभे मंगल चंडिके, मंगले मंगलार्हे चा सर्व मंगल मंगले, सता मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये, पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभिश्च देवते, पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य संततम्, मंगलाधिस्तात देवी मंगलाश्च मंगले, संसारे मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां, देवाश मंगल स्रोतम या श्रणोति समाहिता, प्रतिमंगलवारे च पूज्य मंगल सुख प्रदे, तन्मंगलं भवेतस्य नावेदन्त मंगलं, वर्धते पुत्र पौत्रस्य मंगलस्य दिने दिने, माम रक्ष 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 ओम मंगल मंगले। इति मंगला गौरी स्त्रोतम संपूर्ण। कहते हैं जय माता दी बोलने मात्र से ही हमारे सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। तो आप हमें कमेंट में जय माता दी लिख करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।
हमारे अगले वीडियो में हम आपको माँ सिद्धिदात्री की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।